सत सिंह जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी सब दी बाणी नू भी सुन रहे ने, चाहे वो गीत रूप च या स्पीच रूप जो भी उन्हां दा माध्यम रहा है, ता गल एक ही इशारा एक ही, जो भी ये निरंकार परमात्मा ये हमारे अंग संग बसता है और हम सब उसकी अंश हैं, तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बाणी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है, तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, साध दी संगत कर ले बंदे मैल दिलां दी दूर करे, तो यही जो सात संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी, तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी, साध दी संगत कर ले बंदे दुख दलिद्र होवन दूर, ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटेरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी, साध दी संगत कर ले बंदे जानदा रहेगा मान गुरूर, तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं, वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्मज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, जहाँ मन में
हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी, साध दी संगत कर ले बंदे अन डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊँची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी, साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फूलदा जाएगा। तो ये फलदा फूलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं, कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरियों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी, साध दी संगत कर ले बंदे पीवेगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है, कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस, तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है, कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी, साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ़ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है, कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज़ हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर
किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं, तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान। ये जो हमारे अंदर चेतना है, हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से घोड़सवार उस पर चढ़कर, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं, तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें, एक इंसान के शरीर में हो के मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है, उसके बाद जूत अगर हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं, वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी, साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। तो वही टेम्परमेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात, कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती, तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम कि अपने बिल्कुल चैन गवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम कि स्थिति, वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठा कर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी। तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता, जैसे एक नदी है वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है। तो वो उस कठिनाई देखकर उस पे वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है, बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी, अवतार मिले जे साधु पूरा मन ना ए आवारा रहे। तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है, कभी हम अगर कहीं होते हैं, काफ़ी लोग कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है, और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात की नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिजिकली उस कमरे में हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पे जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है, ये वो चैन, ये सुकून उस समय उस मन से वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संघ है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है,
जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने, जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी, और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना, और इस तरह के अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ और सिर्फ ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से इस संदरंकारी मिशन की, आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं। तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे, तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रखकर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज़ में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियाँ ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियाँ हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं होना। पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है, तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ, क्या हम, अगर कोई कष्ट है, हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ, पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ जारी रहती है, या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो इतनी स्टेट ठीक नहीं हो, तो भी हम अपनी मेहनत से वो ग्रेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है, तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना अहंकार से परमात्मा से कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया, वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना कि
चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आए कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रख के कि हाँ अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही एक कामना करते हुए, आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए, कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है कि ये फीलिंग कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय निरंकार, दिस गॉड ऑलमाइटी, व्हिच एवर नेम वी वांट टू कॉल इट बाय, कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंग संग है, और वो संतों ने तो युगों युगों से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमसे क्या चाहा है, एक इंसान होने के, एक ह्यूमन वैल्यूज होने के, एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं। तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज पे चल रहे हैं या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी, आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में, तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं, जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करें सभी पर कि चाहे जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।